नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं नवीन तिवारी आपका स्वागत करता हूँ फिर से, काफ़ी दिनों के बाद लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। एनसीईआरटी की सीरीज जारी है और हम लोग 6 क्लास की एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है आर पास्ट उसको देख रहे हैं। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किए थे, जैसे कि प्री हिस्टोरिक कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, और कुछ पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के बाद। आज जो हमारा जो चैप्टर है वो है इंडस वैली के बाद जो आता है जिसको हम कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बारे में। और हम ये भी देखेंगे कि पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या 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 चीज़ें घटित हुई और किस तरीके से जनपद से महाजनपद भी डेवलप हुए। ओके, तो दीज आर सपोज टू बी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव टू डील टूडे। ओके, देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो पहली बात तो ये है कि मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बुक डील्स विथ नंबर 1 वैदिक सिविलाइजेशन। ओके, एक तो बात हो रही है किसके बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, और दूसरी बात हो रही है बरियल्स के बारे में। यहाँ पर बरियल्स का मतलब मेगालिथ से है, मेगालिथ कल्चर से है। ओके, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो इस बुक में इन दोनों चीज़ों को एक साथ बताया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेगी आपको ये बुक, और ख़ासतौर पे चैप्टर नंबर 5 एंड 6। ओके, तो फिलहाल मैं इस इंक्स को मिटा देता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको कि आगे की इसमें क्या चीज़ें होंगी इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस डील विद द बुक इटसेल्फ, दैट इज वेदास। और वेदास आर सपोज टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट विच टेल्स अस अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो ऋग्वेद है वो सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, उसमें आपको आर्यंस के लाइफ के बारे में भी जानकारी मिलती है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी रिलीजियस लाइफ, उनकी समाज के बारे में, उनकी कैसी अर्थव्यवस्था थी, किस तरीके से उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो जो भी वो लोग करते थे वो किस तरीके से डेवलप था, और महिलाओं की क्या स्थिति थी, इन सभी के बारे में जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। तो बुक स्टार्ट विथ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, दैट इज ऋग्वेद। तो बात यहाँ पर बात हो रही है किसकी, ऋग्वेद की। लेकिन इससे पहले कि हम ऋग्वेद के बारे में कुछ पढ़ें, हमें कुछ बेसिक चीज़ें और भी पता होनी चाहिए जिससे कि हमें इस बुक को समझने में थोड़ी सी और आसानी हो जाए। इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं इस नक्शे को, यानी कि इस मैप को। आपको याद होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लगभग यहीं पर आकर बसे हुए थे और उनका एरिया थोड़ा इनसे काफ़ी बड़ा था। तो फिलहाल जहाँ पर मेरा एक कर्सर मूव कर रहा है, दिस इज द रीजन इज कॉल्ड व्हाट, सप्त सिंधु रीजन। ओके, दिस इज द रीजन कॉल्ड व्हाट, सप्त सिंधु रीजन, जहाँ पर आर्यंस आकर बसे थे। कौन आकर बसे थे, आर्यंस। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हु वॉज द मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, द आंसर इज आर्यंस। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये आर्यंस कहाँ के थे, दे आर द ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ इंडिया, और ये कहीं और से आए थे। तो इसमें हिस्टोरियंस की डाइवर्जेंट ऑफ ओपिनियन है, कुछ कहते हैं कि नहीं इंडिया के ही थे, और कुछ कहते हैं कि ये लोग माइग्रेट करके आए थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप से, खास तौर पे यूरोप से। तो ऐसे कई इतिहासकार हैं, इनमें से कुछ इंडियंस भी हैं और कुछ फॉरनर्स भी हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो उनका क्लेम है कि दे मस्ट हैव बीन केम फ्रॉम आर्कटिक आर्कटिक सर्कल, और जो दयानंद सरस्वती हैं वो कहते हैं कि तिब्बत से आए थे। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन स्कॉलर्स वॉन्ट टू ट्रैक दैम फ्रॉम द यूरोप, दैट इज़ फ्रॉम जर्मन रीजन एंड फ्रॉम द सदर्न रशिया। ये आपको हायर बुक्स में पढ़ने के लिए मौका मिलेगा कि ये जितने भी हिस्टोरियंस हैं ये बताते कहाँ हैं कि ये लोग आए कहाँ से थे। जो भी हो, ये लोग जहाँ से भी आए हों, लेकिन जो इनका सोर्स है बताने का वो क्या है, देर इज ओनली वन सोर्स विच टेल्स अस अबाउट द आर्यंस, दैट इज ऋग्वेद। सो ऋग्वेद इन दिस रिगार्ड सपोज टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट विच डील्स विद वट, द लाइफ ऑफ द आर्यन पीपल। और यहाँ पर जब मैं लाइफ की बात करता हूँ तो हम बात करते हैं कई सारे पॉइंट्स की, यानी कि उनकी पॉलिटी के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनके समाज यानी कि सोसाइटी के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद। सो व्हाट डज इट मीन, ऋग्वेद इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ रिलीजियस टेक्स्ट। नो डाउट उसमें रिलीजन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, क्योंकि आर्यंस पीपल वर द वर्शिपर ऑफ द नेचर, जिसके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पैंथीज्म का, यानी कि सर्वेश्वरवाद का। ओके, सो इन दिस रिगार्ड ऋग्वेद सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। एक चीज़ मैंने और लिखी आप लोगों के लिए, देखिए
वैदिक सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो है 1500 से लेकर 600 बीसी के बीच में, जिसके हम दो पार्ट कर लेते हैं। एक तो हो गया आपका वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि ऋग वैदिक पीरियड, वो चलता है 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच में। और जो उसका जो सेकेंड पार्ट है, जो इस बुक में अलग से नहीं समझाया गया है, वो है 1000 से लेकर 600 बीसी तक के पीरियड को कहा जाता है। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड व्हाट? पोस्ट वैदिक पीरियड। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पोस्ट वैदिक पीरियड। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। बट शुरुआत हुई है वेदास के लिटरेचर से, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ वैदिक लिटरेचर। वेदास आर द प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैदिक पीरियड। ओके, व्हाट इज़ वैदिक लिटरेचर देन? वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ फोर वेदास, देयर कंसर्न ब्राह्मण, देयर कंसर्न अरण्यक एंड देयर कंसर्न उपनिषद। उपवेद आर कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ पोस्ट वैदिक लिटरेचर एंड वेदांग्स आर द लिम्स ऑफ द वेदास। लिम्स का मतलब यहाँ पर यह होता है वेदों के अंग से है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर अस टू नोट दैट वट वैदिक लिटरेचर इज। तो वैदिक लिटरेचर में चार किताबें हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। लेकिन जो शुरुआत के जो 500 साल हैं, जिसको हम वैदिक पीरियड कहते हैं, उसके बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। तो देखिए पहले लाइन मैं आपको सामने पढ़ने आ रहा हूँ। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, देयर आर फोर ऑफ देम। चार वेद हैं, एक तो है आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और ये रहा आपका अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद। ओके, और इस बुक के अनुसार इसकी रचना कब हुई थी? अबाउट 3500 ईयर्स अगो। ओके, द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सूक्त। जाहिर सी बात है इसको क्या कहते थे? मंत्रों के कलेक्शन को कहा जाता है क्या? सूक्त। एंड ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1028 सच सूक्त। ठीक है ना? एंड सूक्त इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस हाइम्स यानी कि मंत्र। और जितने भी मंत्र हैं ये समर्पित हैं किसको? नेचर के अलग अलग फॉर्म को। जिसके लिए मैंने किस शब्द का इस्तेमाल किया आपके सामने अभी? पैंथीज्म का। और पैंथीज का मतलब यहाँ पर ये है एक प्रकार का सर्वेश्वरवाद है। क्या है? सर्वेश्वरवाद, अर्थात आर्यंस प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे लेकिन उसकी मूर्ति नहीं बनाते थे। यानी कि आर्यंस मूर्ति पूजक नहीं थे, ये आप बात जान लीजिए। जबकि इससे पहले की जो सभ्यता थी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पर मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। आर्यंस वर नॉट द इमेज वर्शिपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो वी हैव अ रेफरेंस ऑफ सम गॉड ऑफ ऋग्वेदा, जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है इंद्र, ठीक है ना, जिनके लिए पुरंदर शब्द का भी इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, और इनको समर्पित हैं लगभग 250 सूक्त। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अग्नि अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गॉड, द गॉड ऑफ फायर। ठीक है, सोम रस, प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। ठीक है ना? तो ऋग्वेद में टोटल वी हैव 10 मंडल्स, यानी कि ऋग्वेद के अपने आप में कितनी बुक्स हैं? 10 हैं। एंड नाइन्थ मंडल इज कंसर्ट विथ सोम, दैट इज सोम रस। ठीक है ना? दीज हाइम वर कम्पोज बाय सेजेस, यानी कि इन मंत्रों की रचना किसने करी होगी? ऋषियों ने करी होगी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीज आर सेजेस, इनको स्क्रिप्ट की कोई नॉलेज नहीं थी। ओके, दे डू नॉट हैव नो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। मैं पहले देता हूँ, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, तो फिर ये जो भी जितने चीज़ें मंत्र हैं ये मिले कहाँ से? फिर ये इस तरीके से मिले हैं कि कोई गुरु अपने शिष्य को कोई मंत्र बता रहा है, उससे कह रहा है तुम्हें याद रखना है बिट बाय बिट, एक एक शब्द आपको याद रखना है। तो ये परंपरा चलती रही सदियों तक, फॉर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ओके, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन लिख भी रहा हूँ साथ में, लेकिन उन लोगों को लिखना नहीं आता था क्योंकि उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो परंपरा के रूप में ये एक तरह से ट्रांसफॉर्म होता रहा गुरु से शिष्य में, और जब वो शिष्य गुरु बना होगा तो वो अपने शिष्य में उसने ये सारे विचार डाले होंगे। ठीक है, फाइनली ऋग्वेद वॉज कम्पोज इन द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड, इसीलिए हम उसको क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं। आगे देखेंगे इस वाली बुक में कि गुप्ता पीरियड के बारे में इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका मैप, और ये जो मैंने आपके लिए अलग से चीज़ें लिखी हैं कि ऋग्वेद में हमको पढ़ना क्या क्या होता है, उनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, और कुछ हमको नदियों के नाम मिलते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि नदियों के नाम क्यों इंपॉर्टेंट हैं, और इनके प्राचीन और मॉडर्न नेम मिलते हैं, इनका पॉलिटिकल सेटअप, सोसाइटी, सारी जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। ठीक है, देखिए नेम ऑफ वेरियस रिवर्स, एंशियंट नेम अलग से दिए हुए हैं, मॉडर्न नेम्स अलग से दिए हुए हैं,
और इससे पता चलता है कि इनकी जोग्राफिकल लोकेशन थी, तो इसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि वो लोग कहाँ पर आकर बसे थे। कौन लोग? आर्यंस। ठीक है, देखिए सिंधु नदी को आज भी सिंधु ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? इंडस। पुरोशनी नदी का नाम आज है रावी, सॉरी हाँ आज है रावी। और अस्कनी शब्द किसके लिए इस्तेमाल करा गया है? चेनाब के लिए। वितस्ता किया गया है झेलम के लिए। शतद्रु किया गया है सतलज के लिए। और गोमती किया गया है किसके लिए? गोमल के लिए, जो कहाँ बहती है? अफगानिस्तान में। तो ये नदियाँ अल्टीमेटली इंडस रिवर में आके मिलती थी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि आर्यंस मस्ट हैव बिन सेटल्ड डाउन इन द रीजन ऑफ दिस रिवर। ठीक है, तो जोग्राफिकल लोकेशन तो हमको करेक्ट समझ में आ गई कि ये लोग यहाँ पर आकर बसे थे, और ऋग्वेद में गंगा और यमुना का कोई खास महत्व नहीं था। इनके ज़माने में सबसे जो पवित्र नदी थी उसका नाम मैं लिखना भूल गया हूँ, उसका नाम था सरस्वती। सरस्वती वॉज देयर मोस्ट सेक्योर्ड रिवर, माइंड इट। जबकि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? खुद इंडस रिवर। इंडस वॉज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, वाइल सरस्वती सपोज टू बी द मोस्ट सेक्योर्ड रिवर। काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आता है यहाँ से भी, ठीक है, तो इसी का ध्यान रखेंगे। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन, और संस्कृत भाषा से ही कई सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, आसामी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो। संस्कृत इज कंसिडर टू बी द मातृभाषा ऑफ मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज? अदर लैंग्वेज यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। फॉर इंस्टांस दोज यूज इन द नॉर्थ बिलोंग टू द तिब्बत बर्मन फैमिली एंड तिब्बत तेलुगु कन्नड़ एंड मलयालम फैमिली। इस तरीके से इंडिया क्योंकि एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उन पर कहीं ना कहीं से संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो ब्लू इंडेक्स में जो इस बुक में दिया गया है, इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, और इससे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेस प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करती है इस प्रकार की इंफॉर्मेशन। ओके, द बुक वी यूज वर रिटन एंड प्रिंटेड। ठीक है, द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। सुना जाता था और समझा जाता था, इसलिए इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम? श्रुति साहित्य। किसका इस्तेमाल करते हैं? श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य का मतलब होता है सुनकर समझा गया साहित्य। क्या मतलब होता है इसका? सुनकर समझा गया साहित्य, यानी कि सुनकर लिखा गया नहीं, सुनकर समझा गया। और परंपरा दर मतलब सदियों तक ये चीज़ें चलती रहीं। तो सवाल ये उठता है कि जो हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा कैसे होगा? जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो चैलेंजेस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के सामने आए थे, वही चैलेंजेस हमारे इतिहासकारों के सामने भी आए होंगे कि इस तरह इसको कैसे पढ़ा जाए। सो ऐसे कई सारे मटीरियल हैं जो रिमेन्स हो गए होते हैं इसके, उसकी वजह से इनको मदद मिली होगी तो किस तरीके से इन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा होगा। ठीक है, सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म्स ऑफ डायलॉग। इनको मदद मिली होगी उस प्रकार के ऋग्वेद को, मतलब उस प्रकार के चीज़ों को समझने पर डायलॉग के फॉर्म में लिखे हैं, जिसमें एक ऋषि है हमारे विश्वामित्र, वो बातें कर रहे हैं नदियों से कि आइए और देखिए। ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, दो घोड़ों की तरह चलते हुए आइए और पहाड़ों से होते हुए आइए। इस तरह की वार्तालाप विश्वामित्र और नदियों के बीच में हो रही है, जिसका उल्लेख एनसीईआरटी बुक में इस प्रकार से किया गया है। तो हो सके तो एक बार इसकी रीडिंग मान लीजिएगा। यूपीएससी में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं आएगा, बट स्टिल इट विल प्रोवाइड यू अ सॉलिड बेस कि आखिर वो उस समय की स्थिति किस प्रकार से थी और ऋषि मुनि किस प्रकार से नेचर के फॉर्म, मतलब नेचुरल फॉर्म में नेचर की एक प्रकार से पूजा ही कर रहे हैं रिवर की। ठीक है ना, तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अ पेज फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। ये देखिए, ये जो ऋग्वेद है जिसके लिखा था पेज ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि, जो ताड़ के पत्तों में लिखी जाती थी और इसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता था। ओके, दीज मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद ऑन बर्च बार्क आर फाउंड इन कश्मीर एंड अबाउट 150 ईयर्स अगो इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन द ऋग्वेद। देखिए, ब्रिटिश पीरियड के समय में जब 1784 के आसपास विलियम जोन्स ने जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, इसकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो इनका काम ये था कि जितने भी पुराने जो टेक्स्ट हैं हमारे, चाहे वो संस्कृत में लिखे गए हों चाहे फारसी भाषा में, उसको किस में अनुवादित किया गया था?
इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो बड़े मज़े की बात यह है कि हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ये सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, और फिर उस इंग्लिश में पढ़ने के बाद इतिहासकारों ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो यानी कि ओरिजिनली जो इंडिया का इतिहास लिखा गया है इतना समझने के बाद वो इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री विच इज़ रिटर्न, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम पढ़ पा रहे हैं, वो लिखा गया था अंग्रेजी में। और अंग्रेजी में किसने लिखा? उन ट्रांसलेटर्स ने जो संस्कृत पढ़ना जानते थे। तो इनको किसको किसने एम्प्लॉय किया था? ब्रिटिशर्स ने। और ये काम किसने करवाया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने, जिसकी स्थापना किसने करी थी? विलियम जोन्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब बात करते हैं, इससे पहले कि मैं ये पैराग्राफ आपके आपके समक्ष डील करूं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ सकें। नंबर एक बात, जो आर्यंस थे, सबसे पहले तो हमें इनके बारे में ये जानना पड़ेगा कि ये लोग थे कौन। तो हमको जानकारी मिलती है कि देवर नोमैड्स, देवर नोमैड्स। क्या थे ये लोग? नोमैड्स थे। नोमैड्स मतलब बंजारे थे, अर्थात खानाबदोश किस्म के लोग थे। कैसे लोग थे? खानाबदोश, ओके, बंजारे थे और इधर उधर घूमते थे, यानी कि इनके जीवन में स्थायित्व तो नहीं था। दे डू नॉट हैव सेटल्ड लाइफ, इनकी लाइफ स्थायित्व वाली नहीं थी। किस में रहते थे? ग्रुप में रहते थे। ग्रुप को क्या कहा गया है? जन, ठीक है, क्या कहा गया है? जन। एंड ईच जन वॉज लेड बाय जनपति, या कह सकते हैं राजन। हर जन का अपना क्या होता था? मुखिया होता था। दूसरा फीचर इनका ये था कि ये लोग आपस में काफ़ी लड़ाई बहुत करते थे, यानी कि दे स्ट्रगल विथ ईच अदर, स्ट्रगल विथ ईच अदर। और स्ट्रगल किस चीज़ के लिए? कैटल वेल्थ के लिए, ठीक है ना, कैटल वेल्थ के लिए लड़ाई होती थी। और कैटल वेल्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या थी? काओ, यानी कि गाय। तो एक बात तुमको ये समझ में ये आ गई कि जो आर्यंस पीपल थे इनके लाइफ में गाय का बड़ा महत्व था। तो जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होगी वो सबसे अधिक संपन्न व्यक्ति माना जाता था उस समय। तो लोगों के दिमाग में ये बात थी कि अगर हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे जिसकी वजह से उनके कैटल ग्रोथ, उनकी कैटल ग्रोथ लगातार क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो प्रार्थनाओं में मवेशियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी मंत्र है कि किस प्रकार से हमारे इसका संख्या बल क्या है, बढ़ जाए। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैटल, नंबर ऑफ हॉर्सेस, नंबर ऑफ चैरियट्स। सो देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रंस एंड हॉर्सेस। हॉर्सेस आर योक टू चैरियट्स दैट वर यूज इन बैटल्स। अब देखिए, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा इंडस वैली वाला पीरियड था उसमें हॉर्सेस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। वी डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ हॉर्सेस, बट दीज पीपल वर वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ हॉर्सेस, और हॉर्स की राइडिंग करना भी ये लोग जानते थे, ठीक है ना। हॉर्स बेटर नोन फॉर व्हाट? इट्स स्ट्रेंथ, ओके, अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था। और युद्ध भूमि में घोड़े किस प्रकार से अपना कौशल दिखाते हैं ये तो आपको पता ही होगा। सो हॉर्सेज वर योक टू चैरियट, रथ भी बनाए जाते थे। बैटल वर्स ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, ठीक है। अब बैटल का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा मैं इसको एलेबरेट करना चाहूँगा कि द आर्यंस पीपल, आर्यंस कीप ऑन स्ट्रगल विद ईच अदर, और ऐसे कई सारे युद्ध होते थे उनके बीच में। वन सच वॉर वॉज मैंशन इन द सेवंथ मंडल ऑफ द ऋग्वेद, जिसमें ऋग्वेद के सातवें मंडल में एक बड़ी भीषण युद्ध का उल्लेख मिला है, जिसे कहते हैं द बैटल ऑफ 10 किंग्स। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है ना, जिसमें कई सारे क्या थे? कबीले थे, और एक कबीले का नाम था क्या? भरत कबीला। क्या नाम था? भरत कबीला। भरत कबीले का जो राजा है उसका नाम है सुदास। एंड ईच किंग वॉज असिस्टेड बाय हिज पुरोहित, और इनके जो पुरोहित हैं वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वामित्र ही थे। और विश्वामित्र को उन्होंने हटा दिया था, उसके स्थान पर किसको रख लिया था? गुरु वशिष्ठ को। तो बस यही फसाद की जड़ बना, और वशिष्ठ विश्वामित्र ने इनको ललकारा कि आओ युद्ध करो। वशिष्ठ ने उनको हरा दिया, और इस बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ 10 किंग। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि ये तो किसके किस नदी के किनारे लड़ा गया था? द नेम ऑफ द रिवर वॉज नन अदर देन पुरोशनी, दैट इज टूडेज रावी। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें विश्वामित्र की पराजय हुई थी।
विश्वामित्र सपोज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेज, और इन पर जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद इज टोटली डिवोटेड टू विश्वामित्र. थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद डिवोटेड टू विश्वामित्र, और इसी इसी में किसका उल्लेख मिलता है हमको, गायत्री मंत्र का. गायत्री हाय, जो इसकी रचना किसने करी थी, खुद विश्वामित्र ने ही की थी. वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, पहले आया करता था, अब हो सकता है रिपीट भी हो सकता है. सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट. इस प्रकार से इनका जीवन चलता था, जो भी संपदा इनको मिलती थी कुछ तो लीडर अपने पास रख लेते थे और कुछ किसको बांट देते थे, पुरोहित वर्ग को बांट देते थे. यज्ञ का बहुत इंपॉर्टेंस थी, और यज्ञ में क्या होता था कि जो भी इसमें मंत्र हैं वो देवताओं को समर्पित थे और भाव भरे गीत थे. ऋग्वेद में इन्हीं की कलेक्शन के बारे में सारी जानकारी मिलती है. ओके, मोस्ट मैन टुक पार्ट इन देयर वॉर, इन दीज वॉर्स देयर वॉर नो रेगुलर आर्मी. यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगेन कि इनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, और जरूरत पड़ने पर आर्मी रेस कर ली जाती थी. और आर्मी का जो शब्द आता है वो आता है यहाँ से, जिसको क्या कहा गया है, मिलिशिया. यानी कि ये एक टेम्प्ररी आर्मी थी जो सिर्फ युद्ध के समय में रेस करी जाती थी. बट देयर वर सम असेंबलीज, पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीसेस. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि राजा जो है वो सारे फैसले अकेले नहीं लेता था, उसके लिए एक ट्राइबल असेंबली भी थी. दो नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सभा एंड समिति. तीसरा नाम आप खुद खोजिएगा, आपको किताब में मिलेगा कि व्हाट वाज द थर्ड वन. ठीक है, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन द टर्म ऑफ वर्क दे डू. मजे की बात यह है कि इंडस पीपल जो थे, उनका जो समाज था, उसमें कोई वर्ण व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं मिलता है. नो रेफरेंस ऑफ वर्णा सिस्टम इन द अर्ली वैदिक पीरियड. ठीक है, तो समाज का विभाजन किस आधार पर हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क. ठीक है, वर्क वॉज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन. तो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग समाज क्या हुआ था, क्लासिफाई किया गया था. देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क, द प्रीस्ट समटाइम कॉल्ड ब्राह्मण एंड हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स आर कॉल्ड राजाज. दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस हु विल हैव, जिसकी अपनी राजधानी होगी, इसकी बहुत बड़ी आर्मी होगी, ऐसा नहीं था. ये राजा कैसे होते थे, एक प्रकार के चीफ होते थे. किसके चीफ होते थे, अपने जन के, जिसको वो लीड करते थे. ठीक है, एंड द किंग वॉज असिस्टेड बाय हिज ऑफिशियल्स, जिसमें सबसे पहला नंबर आता था किसका, पुरोहित का. ठीक है, उसके बाद सेनापति है, जिसको हम सेनानी कहते हैं, एंड समथिंग लाइक दैट. सो किंग वॉज असिस्टेड बाय वेरियस ऑफिशियल्स. ठीक है, Generally, sons did not automatically succeed father as rajas. Very, very important fact of this. कि राजा की मृत्यु के बाद जरूरी नहीं है कि पुत्र ही क्या बने, शासक बने. यानी कि ऐसा कोई हमें कोई भी उल्लेख नहीं मिलता कि son was the immediate successor or the natural successor of the king. Two words were used to describe the people of the community as a whole. One was the jan. देखिए, जन शब्द का मैंने आपको नाम बताया था अभी. जन मतलब होता है क्या, group of people. और यहीं से बनाया क्या, जनगण मनगण अधिनायक जाया है. ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड व्हाट, जन. ठीक है ना, तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलने हैं जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़िएगा. विश, जन आर मेंशन्ड बाय द नेम. ठीक है, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जन और विश, भरत जन. जैसे कि मैंने अभी नाम बताया था आपको, भरत क्या है, एक कबीले का नाम है, जिसके मुखिया का नाम क्या था, राजा सुदास. यदु जन हो गए, एंड सो ऑन. सो मैनी जन्स आर देयर, सो मैनी ग्रुप ऑफ देयर ऑफ पीपल आर देयर. और जन से ही नया शब्द बनता है क्या, आपने नाम सुना होगा जनपद. जन से आता है शब्द क्या, जनपद, जिसको हम आज क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं. ओके, डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर, यस, वाई नॉट. आर्यंस, दास, दस्यु, दीज आर द सम ऑफ द वर्ड्स विच आर यूज इन द ऋग्वेद, इज वेरी मच फैमिलियर टू अस. We have a reference of the women's and vans who are captured in wars, और उनको एक प्रकार से काम में लगाया जाता था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि there was supposed to be a reference about slavery in the Vedic period. ठीक है, while the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. ठीक है ना, अच्छा, chapter number 5 जो है इस book का, वो यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है Vedic civilization के बारे में. ये बात बड़ी important है कि इसके बाद, इस चैप्टर में इन्होंने
साउथ इंडिया के कुछ और एक्टिविटीज़ के बारे में कवर किया है और उसका नाम है क्या, मेगालिथ बरियल। तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझाने से पहले इसका खाली एक मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, कि मेगालिथ होता क्या है, देखते हैं। ठीक है, मेगालिथ का मतलब होता है, मेगा मीन्स वेरी बिग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगा? मेगा मीन्स अ बिग वन। व्हाट बिग वन? अ बिग स्टोन। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद वहां पर एक बहुत बड़ी शिला रख दी गई और इसी को क्या कहा गया है, मेगालिथ। सो दिस कल्चर वॉज डेवलप्ड आउटसाइड द इंडस रीजन ऑल्सो एंड आउटसाइड द वैदिक सिविलाइजेशन रीजन ऑल्सो विच वॉज इन वोग इन द डेक्कन पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑफ द नेक्स्ट मैप। दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ बिग स्टोन। दे आर केयरफुली अरेंज। ठीक है, मरने के बाद व्यक्ति को जहाँ पे गाड़ा जाता था उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे और उसी कल्चर को क्या कहा गया है, मेगालिथ कहा गया है। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन द मैप टू, वाइल सम ऑफ मेगालिथ्स कैन बी सीन इन द सर्फेस। तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये किसका है? एक मेगालिथ का ही है जिसमें मृत व्यक्ति को गाड़ने के बाद उसके साथ उसके द्वारा इस्तेमाल करी गई चीज़ों को भी गाड़ते थे। इसका मतलब ये है, दे हैव अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। व्यक्ति के साथ उसके उसके साथ इस्तेमाल की गई चीज़ों को भी गाड़ना इस बात की ओर इशारा करता है कि दे मस्ट हैव बीन द बिलीफ इन बट लाइफ आफ्टर डेथ। देर वर सेवरल थिंग्स डैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ। क्या करते थे? दे हैव मेड लिस्ट हेयर। ठीक है ना, आपसे कहा गया करने के लिए, ट्राई एंड अरेंज दैम इन द करेक्ट ऑर्डर, डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन, समथिंग लाइक दैट। तो ये बच्चों के लिए कही गई है बातें, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है ये सब। तो इस बुक का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें मेगालिथ कल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था हमारे भारतीय समाज में और भारत के इतिहास में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान भी है। तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ओके, सो ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जनरली द डेड वर बरीड विद द डिस्टिंक्टिव पार्ट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मृत व्यक्ति के साथ उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों को भी गाड़ा जाता था। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। आर्कोलॉजिस्ट थिंक्स दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रॉब्ली बिलोंग टू द डेड पर्सन। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन वन ग्रेव। तो इंडिया के कई सारे हिस्से में, जैसे कि इनाम गांव नाम की एक जगह है, ठीक है ना, यहाँ पर भी कई सारे ऐसे मेगालिथ बरियल्स मिले हैं जिससे पता लगता है कि वहाँ पर ये सारा कल्चर डेवलप हुआ था। ठीक है ना, तो इस बुक को पढ़ के आपको ये सारा अंदाजा आएगा कि आखिर आपको किस तरफ इशारा किस तरफ है। ठीक है, समटाइम मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केल्टन। दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली और बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम। एक चीज और पता चलती है, बड़े मजे की बात यह है कि कोई व्यक्ति कितना सक्षम है इस बात से भी पता चल जाता है कि उसके साथ क्या क्या चीजें गाड़ी जाती थी। अगर किसी के साथ 33 गोल्ड बीट्स गाड़े गए, ये देख लीजिए यहाँ के लिखा है, वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीट्स। बाप रे, टू स्टोन बीट्स एंड फोर कॉपर बैंगल्स एंड वन कॉन्सेल। और एक स्केलेटन ऐसा मिला है जिसके में सिर्फ कुछ ही चीज़ें गाड़ी गई हैं। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वर सम डिफरेंस इन द स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड। बहुत स्ट्राइकिंग बात बताई इन्होंने यहाँ पे। समाज में आज भी हम देखते हैं गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, और मध्यम वर्ग तो है ही। खैर, तो उस समय के समाज में भी इस प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है कब्रों को देखकर कि कौन कौन सी जिनके साथ गाड़ी गई हैं। ठीक है, दिस मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, तो आप लोग इस किताब को इस तरीके से पढ़िएगा और एक दो रीडिंग अगर मार्क्स की मारेंगे आप, तो आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है मेगालिथ कल्चर की वो भी क्लियर होगी। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जो जिसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है, और वो है आपका पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है ना, सो पोस्ट वैदिक पीरियड मैं आपके लिए एक छोटा सा रफ मैप बनाता हूँ और कुछ एक आपको भूमिका बताता हूँ कि इसका मतलब क्या था। ठीक है ना, ये देखिए, अभी तक इंडस पीपल, सॉरी वैदिक पीपल यहाँ पे रह रहे थे जहाँ पर पहले इंडस लोग रहा करते थे। नाउ दे आर एक्सटेंडेड टूवर्ड्स ईस्ट
और अब ये लोग कहाँ पर रहने लग गए हैं इस वाले पार्ट में। तो दिस होल रीजन इज कॉल्ड व्हाट? आर्यव्रत। क्या कहा जाने लगा इसको? आर्यव्रत। सो इन 1000 BC अचानक क्या हो गया कि ईस्ट की तरफ आ गए? कई चीजें हुई होंगी। पहली बात तो ये, आयरन की डिस्कवरी हुई एंड विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द ह्यूमन। आयरन की डिस्कवरी ने ह्यूमन की लाइफ में एक रिवॉल्यूशन, एक प्रकार की क्रांति आ गई थी इनकी वजह से। तो ठीक है ना, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम देखते हैं कि इसका बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नाउ द प्लो वॉज मेड अप ऑफ वट? आयरन। अब जो जो हल हैं वो किसके बनाए गए हैं? लोहे के बनाए गए हैं। अब लोहे के हल से जब खेत की जुताई करी जाएगी तो थोड़ा गहराई में जाकर करेगा, जिससे क्या होगा कि जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज्ड, ठीक है। इट मीन्स वॉट? अब इनकी लाइफ काफ़ी सेटल्ड हो गई थी, ऑल बिकॉज ऑफ वट? द फाइंडिंग ऑफ द आयरन। किसकी लाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग? आर्यंस की। नाउ दे हैव मच नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑल्सो। दे नो हाउ मच टू ग्रो, वेयर टू ग्रो एंड वेन टू ग्रो। तो ये जो एग्रीकल्चर का जो सरप्लस है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इनकी लाइफ में। सो द पीरियड बिटवीन 1000 to 600 BC, देयर लाइफ बिकम क्वाइट सेटल्ड एंड एक प्रकार को हम कह सकते हैं कि ये एक सेकेंड अर्बनाइजेशन वाला पीरियड रहा होगा। एक प्रकार का क्या था? द्वितीय नगरीकरण था, जिसमें कई सारे टाउन्स हमने देखे जो डेवलप हुए थे, जैसे कि कौसाम्बी है, जैसे कि वाराणसी है, जैसे कि वैशाली है, जैसे कि काशी है, जैसे कि मथुरा है। दीज टाउन्स वर डेवलप्ड इन दिस पीरियड, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि दीज आर सपोज टू बी द वन ऑफ द एंशियंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, जो कब डेवलप हो रही हैं? इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। सो पोस्ट वैदिक पीरियड में इस लिहाज से हम देखते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें घटना घटी और इसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ में काफ़ी आ गया था। फिलहाल इस बुक में अलग से ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं, दूसरे चैप्टर में सीधे बताया गया है महाजनपद एरा के बारे में, और थोड़ा बहुत इन्होंने पोस्ट वैदिक लिटरेचर के बारे में भी डिस्कस किया है। फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ आयरन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, जिसकी वजह से इनके जीवन में काफ़ी रिवॉल्यूशन आ गया था। और यह रिवॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट था कि कई सारे नगरों को स्थापित होने का अवसर मिला होगा, ठीक, जहाँ पर सामान बेचा जा सकता था, खरीदा जा सकता था, और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट काफ़ी बढ़ गया, और ये जानकारी मिलती है हमको किस किससे? शतपथ ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, जिससे हमको पता चलता है कि दे वर माइग्रेटेड टूवर्ड्स ईस्ट ऑल्सो। और अब इनकी मुलाकात किससे हुई होगी? गंगा और यमुना से। तो गंगा और यमुना वाला जो इलाका है, जो काफ़ी डेंसली फॉरेस्टेड था, उस जगह को इन्होंने क्या किया होगा? कॉलोनाइज किया होगा, और वहाँ पर आकर ये लोग बस गए होंगे। ओके, तो ये रीजन अब जाकर कॉलोनाइज हो गया। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, और उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए इनके पास एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसी चीज़ भी अब काफ़ी बढ़ चुकी थी। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना थी पोस्ट वैदिक पीरियड की, और ये सब किस वजह से हो रहा होगा? ऑल बिकॉज ऑफ वट? ऑल बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर टेक्निक्स, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द किंगशिप, यहाँ पर राजा ने उपाधियाँ लेनी शुरू कर दी थी, जिसके बारे में जानकारी मिलती है हमको किससे? ऐत्रेय ब्राह्मण से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें राजाओं की उपाधियों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये देखिए, अगर मैं बना दूँ ये चार दिशाएं, तो जो पूरब की दिशा जीत लेता है, कोई उत्तर की दिशा जीत रहा था, कोई साउथ की दिशा जीत रहा था, कोई वेस्ट की दिशा जीत रहा था। दिशाएं जीतने के बाद ये लोग उपाधियां ले रहे थे, जैसे कि अगर किसी ने नॉर्थ साइड जीत ली तो वो अपने आप को क्या कहता था? विराट कहता था। साउथ वाला क्या कहता था अपने आप को? भोज कहता था। पूरब का क्या कहता था? सम्राट कहता था, सम्राट। और पश्चिम का क्या कहता था? स्वराट। बीच वाला कहता था अपने आप को राजा। और जो सारी दिशाएं जीत ले वो कहलाता था क्या? एक राट। हालांकि एक राट की उपाधि लेने वाला कोई राजा पोस्ट वैदिक पीरियड में नहीं था, ये तो महापद्म नंद ने, बाकी आगे चलकर हम देखते हैं कि उस राजा ने इस चीज की उपाधि ली थी। ओके, सो दिस थिंग इज मिसिंग इन दिस बुक,
कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट वैदिक पीरियड, इनके समाज में किस प्रकार के परिवर्तन आए थे। तो ये मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस वाले पीरियड को भी आप ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या कहता है। किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। शुरुआत में एक चीज़ में पढ़ के देखते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। चूजिंग लीडर और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। नेताओं को चुनना, ये तो एक बहुत ही आधुनिक बात है। हम वोट देने जाते हैं और नई सरकार को चुनते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। ऐसी कौन सी घटना घटी होगी कि कोई व्यक्ति राजा बन जाता है और कोई राजा नहीं बन पाता है। सो अबाउट 3000 ईयर्स अगो, ठीक है ना, प्रोबेबली चूजन बाय द जनता द्वारा ही चुना जाते थे क्या राजा, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वे इन विच राजाज वर चूजन। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। राजा बनने के लिए कई चीजें करनी पड़ती थी, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, युद्ध जीतने पड़ते थे, समथिंग लाइक दैट इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। दरअसल ये जो चैप्टर है ये पोस्ट वैदिक पीरियड से डील तो कर रहा है, ठीक है ना। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द वैदिक रिचुअल्स वॉज इंक्रीज्ड, ठीक है, और देवता भी बदल गए थे। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम के तीन मुख्य देवता बन के स्थापित हुए हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में, और यज्ञों की संख्या लगातार क्या हो गई है, बढ़ गई है। अश्वमेघ और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन ऑफ सच रिचुअल्स। किसी राजा ने अगर अश्वमेघ यज्ञ कराया तो इसका मतलब ये है कि उसने कोई नई टेरिटरी जीती है, और उस टेरिटरी को जीतने के बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था जिसमें पंडित को या पुरोहित को बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि दान में दी जाती थी। सो वट एवर इज रिटन इन दिस चैप्टर, आप एक बार इसकी रीडिंग करिएगा, देन यू केम टू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस। ओके, द राजा वॉज अ सेंटर फिगर इन दिस रिचुअल्स। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट और थ्रोन और अ टाइगर स्किन। देखिए, राजा का एक विशेष स्थान तो था ही समाज में, उसके लिए एक प्रॉपर एक जगह होती थी जहाँ पर बैठता था। तो द थ्योरी ऑफ द किंगशिप जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, ये उसी को एलोबरेट किया गया है इस वाले चैप्टर में, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, इन द पोस्ट वैदिक पीरियड वर्ण व्यवस्था वॉज डेवलप्ड एंड सोसाइटी वॉज डिमार्केटेड इन विच फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ बर्थ। सो चार वर्णों का उल्लेख मिलता है, एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य और एक है शूद्र। एक क्या है, शूद्र है, ठीक है ना। सो वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन द एरिया ड्रेन बाय द गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस बुक्स आर कॉल्ड लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, यानी कि 1000 से लेकर 600 BC के बारे में जो जानकारी है वो बाकी बचे वेदों से मिलती है। एक तो है सामवेद, एक है यजुर्वेद और एक है आपका अथर्ववेद। सो दीज वेदास, द रिमेनिंग थ्री वेदास आर द प्राइम टेक्स्ट विच टेल्स अस अबाउट द चेंजेस विच अकर इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, दैट इज फ्रॉम 1000 to 600 BC। युद्ध काफ़ी बढ़ गए थे, प्रीस्ट की जो वैल्यू थी वो थोड़ी सी घट गई थी क्योंकि युद्ध ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए सेकंड नंबर का जो जो ऑफिशियल है वो कौन हो गया था, सेनानी हो गया था। द फर्स्ट वर्ण वॉज ब्राह्मण, ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, और सबको कर्मों के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था यहाँ पर समझाई गई है, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। लास्ट नंबर पे आते हैं शूद्र, और शूद्रों की स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं थी। महिलाओं की स्थिति जो वैदिक पीरियड में थी उसकी तुलना में पोस्ट वैदिक पीरियड में उनकी स्थिति काफ़ी थोड़ी क्या हो जाती है, गिर जाती है। सम पीपल आज क्लासिफाइड अनटचेबल, यानी कि अछूत वाला सिस्टम जो था वो भी इंट्रोड्यूस हुआ हमारे समाज में, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही थी, और ये जो वंचित वर्ग है शूद्र के रूप में ये काफ़ी आक्रोश में जी रहा था। इनके पास अधिकार के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं थी, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, और समाज में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक टर्म समझाया गया यहाँ पर जिसका नाम है जनपद। राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस बट नाउ रिकॉग्नाइज द बिग राजाज ऑफ जनपद। जो राजा इस प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करवाएगा उसका सम्मान तो समाज में काफ़ी बढ़ जाता था, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपद सच एज पुराना किला एंड दिल्ली हस्तिनापुर। दीज आर सपोज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जनपदास विच वर डेवलप्ड इन दिस पीरियड।
और हमें खुदाई से ये सारे भी मिले हैं क्या, पेंटेड ग्रेवियर्स, क्या मिले हैं, पेंटेड पेंटेड ग्रेवियर्स, जिससे पता चलता है कि ये लोग कितने निपुट रहे होंगे इन सब चीज़ों को बनाने में, ठीक है ना। महाजनपद की बात करते हैं, तो 6th सेंचुरी BC में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना घटी कि जितने भी जनपद थे, यानी कि जितने भी जनपद थे, जनपद प्लस जनपद मिलकर एक नया निर्माण कर रहे थे, उसका नाम था क्या, महाजनपद। और इनकी संख्या कितनी थी, 16 थी, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम है अंगुतर निकाय, और एक का नाम है जैन टेक्स्ट जिसका नाम है भगवती सूत्र, फिर से रख देता हूँ, भगवती सूत्र। सो वी हैव द रेफरेंस ऑफ 16 महाजनपद विच वॉज डेवलप्ड बाय 6th सेंचुरी BC। और इन 16 महाजनपद में मगध काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और किस तरीके से मगध बाकी सभी महाजनपदों को पराजित करके 4th सेंचुरी BC के आसपास सबसे पावरफुल एम्पायर के रूप में स्टेब्लिश हो जाता है। सो द राइज ऑफ मगध इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिनोमिना ऑफ द एंशियंट पीरियड, ठीक है। साइड बाय साइड गौतम बुद्ध और महावीर की भी टीचिंग्स भी लोगों को प्रभावित कर रही थी, और एक नई आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था। सो महाजनपद वाला जो पीरियड है, 16 महाजनपद, वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे, और उनकी भी कई सारी क्या थी, कई सारी नहीं, हर महाजनपद की एक या दो कैपिटल हुआ करती थी। फिलहाल एक ही कैपिटल आप अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। तो कई सारे डेवलपमेंट भी देखने को मिलते हैं, लार्ज सिटीज़ बन रही थी, कई सारे अर्बन सेंटर्स डेवलप हो चुके थे इस समय तक, ठीक है ना। और एज द रूलर्स ऑफ महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, क्योंकि अपना टैक्स का उल्लेख भी मिलता है हमको इस पीरियड में, टैक्स भी वसूला जाता रहा होगा कहाँ से, लोगों से, क्योंकि जो महाजनपद के जो शासक लोग थे वो बड़े बड़े इमारतें यानी कि किले बना रहे थे, उसको मेंटेन करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज की जरूरत थी, तो टैक्स वसूला जाता रहा होगा इन्हीं लोगों से जो उस समय के कॉमन लोग थे। तो ये देख लीजिए, इस बुक में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसका जो पार्ट कितना होता था, 1/6, UPSC के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जितनी भी लाइन्स दी गई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसकी एक बार रीडिंग करिएगा, और यकीन मानिए कि इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा कि किस प्रकार से ये जो 1/6 पार्ट जो है, द टैक्स की जो का जो रेट था, ये कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, ठीक है ना, कि व्हाट वाज द रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड, 1/6, ठीक है ना। और इसको क्या कहते थे, भाग कहते थे, यानी कि पार्ट, 1/6 कितने का, 100 का 1/6, ओके। सो एग्रीकल्चर टेक्निक में काफ़ी चेंजेस आ गए थे, देर आर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर दिस पीरियड, वन वॉज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर, देखिए हालांकि शुरुआत तो इसकी हो गई थी 1000 BC के बाद, लेकिन 6th सेंचुरी BC आते आते इसमें काफ़ी चीज़ें और भी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, खेती में लगातार प्रेशर बढ़ रहा था, और लगातार क्या है, नई नई तरीके खोजे जा रहे थे किस प्रकार से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने समझा रखा है मगध के बारे में, तो राइज ऑफ मगध एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है 4th सेंचुरी BC की, और किस तरीके से प्रोवाइड करती है बेस आने वाले एम्पायर का, जिसका नाम था क्या, मौर्यन एम्पायर, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अलग से मगध के बारे में बताऊंगा, और उसके जो कंटेम्प्रेरी जो और भी महाजनपद पीरियड है, महाजनपद जो है उनके बारे में भी आपको समझाऊंगा, जिसमें वज्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, प्लीज़ इसके इसमें देखिएगा कि किस प्रकार से आपको सहायता मिलती है इस बुक को पढ़ने के बाद, एंड यकीन मानिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें दिए गए हैं, एंड दिस विल हेल्प यू आउट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ओके। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और जल्दी ही मैं आपके सामने आता हूँ और एक नए लेक्चर के साथ, समझेंगे हम मगध के राइस को किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो फिनोमिना थी एंशिएंट इंडिया की, वो तो थी राइस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एट द सेम टाइम, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।